नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज 24 मई शिफ्ट सेकंड और थर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल साइंस से लेकर, दोस्तों वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, इस एक क्वेश्चन आया हुआ था, हेलोजन परिवार में सबसे अधिक ऑक्सीकारी एजेंट कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर था फ्लोरीन। तो हेलोजन फैमिली से एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। एक क्वेश्चन था दोस्तों, टीबी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों, फेफड़े को। टीबी है वो शरीर के फेफड़े को प्रभावित करती है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु? तो नाइट्रोजन, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। इनमें से नाइट्रोजन है जो एक अधातु है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशुओं के मुंह और पैर की बीमारी, तो दोस्तों विषाणुजनित बीमारी होती है पशुओं के मुंह और पैर की बीमारी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस छोड़ता है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ता है सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, तत्व की प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व डाल्टन द्वारा किया गया पदार्थ नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो इसी पदार्थ में मिथाइली नारंगी का रंग है। तो दोस्तों, लाल रंग था इसका, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पित्ताशय में क्या संग्रहित है? तो दोस्तों, पित्ताशय के अंदर पित्तरस है वो संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, बेरीबेरी है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पैरों में सूजन एक बीमारी है, तो दोस्तों एलिफेंटियोसिस है जो पैरों में एक सूजन की बीमारी है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पत्ती का हरा रंग की उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती का हरा रंग होता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार आया था दोस्तों, 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी बन जाता है, तो दोस्तों 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी है जो गैस बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IUPAC का नाम, तो CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम दोस्तों प्रोपेन होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का सूत्र, तो दोस्तों ट्राईक्लोरोमेथेन है वो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग 1A के तत्व कहलाते हैं, तो दोस्तों क्षार धातु कहलाते हैं, वर्ग 1A के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, लैंगरहैंस के आईलेट्स शरीर के किस अंग अंगनाशय में पाए जाते हैं? दोस्तों, लैंगरहैंस के आईलेट्स है वो शरीर के अंगनाशय के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतरा का पीएच मान, तो दोस्तों 3.3 से 4.2 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ग्रंथि जो युवा उम्र के बाद गायब हो जाती है, तो दोस्तों थाइमस ग्रंथि है वो युवा उम्र के बाद गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, BCG टीकाकरण, बेसिल्स कैलमेट गुएरिन वैक्सीन का उपयोग तपेदिक के खिलाफ किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, आवर्त सारणी, तो -18 में समूहों की संख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैसोहोल पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन दो थे दोस्तों, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, एंटीजन, तो दोस्तों ऑल ऑफ अबोव इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, एंटीबायोटिक्स है, तो एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं दोस्तों जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन था, आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, इनमें से चार ऑप्शन थे जिनमें से एक चुनना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनीकरण शक्ति वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों HE है वो आयनीकरण शक्ति वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पॉलीएटॉमिक बहुपरमाणुक, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर था सल्फर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, अम्लगम में कौन सा तत्व हमेशा मौजूद रहता है? तो दोस्तों पारा है वो अम्लगम के अंदर हमेशा मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन था, क्षार में फेनोफ्थेलिन का रंग होता है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन था इस प्रकार। अगला क्वेश्चन था, लाल रंग का उपयोग सिग्नल में किया जाता है, तो दोस्तों उच्च तरंग दैर्ध्य के कारण लाल रंग का उपयोग सिग्नल के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस टीके की खोज की? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, विटामिन सी की कमी का कारण, तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण सकरवी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों तरल से ठोस, ठोस से गैस, वाष्पीकरण या सभी परिवर्तन है? तो दोस्तों सभी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, भौतिक
परिवर्तन के उदाहरण और रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो इसे एक क्वेश्चन था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त धातु है। तो दोस्तों जस्ता है वो गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त धातु है। एक क्वेश्चन था दोस्तों हृदय परीक्षण से, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है वो हृदय परीक्षण से ECG होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो वृत्तीय पथ के साथ परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्रंथि में पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस निकली थी दोस्तों, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, तो वह December 3, 1984 को दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आए दिन के अंदर जनरल साइंस से लेकर। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप रेगुलर रोज़ाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।